तमिल फिल्मों की खूबरू अदाकारा रश्मिका मंदना की नामुनासिब डीप फेक जाली वीडियो केस में दिल्ली पुलिस ने मेटा से वीडियो शेयर करने वाले अकाउंट की मालूमात मांग ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने रश्मिका मंदना जाली वीडियो में तहकीकात करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मरकजी कंपनियां मेटा को एक खत लिखा है। मेटा को लिखे गए खत में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदना की जाली वीडियो शेयर करने वाले सार्फिन की मालूमात मांगी है। ये इकदाम दिल्ली पुलिस की जानिब से जाली वीडियो की FIR दर्ज करने की एक दिन बाद सामने आया है। इस केस की तहकीकात करने वाले एक ऑफिसर ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने मेटा को इस अकाउंट के URL ID तक रिसाई मांगी है जिस अकाउंट से वीडियो बनाई गई और शेयर की गई। पुलिस ऑफिसर ने मजीद कहा है कि हम तवक्को कर रहे हैं कि हम जल्द ही मुलजमान तक पहुंच जाएंगे और केस जल्द ही खत्म हो जाएगा। गुज़िश्ता दिनों भारतीय अदाकारा रश्मिका मंदना की लिफ्ट में नाज़ेबा लिबास पहने दाखिल होते हुए की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इन्हें नामुनासिब अंदाज में कपड़े तब्दील करते हुए देखा गया था, जो वीडियो ज़ारा नामी खातून की थी। रश्मिका मंदना ने जाली वीडियो को इंतहाई खौफज़दा करने वाला अमल करार दे दिया था। रश्मिका मंदना की वीडियो वायरल होने के 2 रोज बाद ही बॉलीवुड क्वीन कैटरीना कैफ भी AI से तैयार किरदा नामुनासिब जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जाली तस्वीर और वीडियोस के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए भी अभी भारतीय हुकूमत हरकत में आई थी कि गुज़िश्ता रोज सारा टेंडुलकर और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की भी जाली तस्वीर मंजरे आम पर आ गई।